उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर मंडल के स्टेशनों पर लगने वाले खान पान के स्टॉल को 31 मार्च तक रात 12 बजे से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश 29 मार्च को जारी किए गए हैं, जबकि इन वेंडरों को हटाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और कोर्ट का आदेश है कि जब तक मामले की सुनवाई चल रही है तब तक स्टेशनों पर खान पान लगाने वाले टेंडरों को हटाया नहीं जाएगा। इसके बावजूद 29 मार्च को केवल राजस्थान के इन चार मंडलों की ओर से आदेश जारी किए गए, जबकि देश के अन्य किसी मंडल ने इस तरह का आदेश नहीं निकाला है। वहीं अखिल भारतीय रेलवे खानपान लाइसेंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता ने बताया कि रेलवे के अधिकारी बड़ी कंपनियों को स्थापित करने के लिए दबाव में यह कार्य कर रहे हैं। इस फैसले के चलते हजारों गरीब वेंडर भुखमरी के लिए और भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। वहाँ से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने हमें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा और हमें अंतिम स्टे दिया उन्होंने 2 हफ्ते के लिए। उसी दौरान मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोर्ट करते हुए हमें अंतिम स्टे दिया और इस पर 20-12 को भी फैसला हुआ, 15 को भी डेट थी, अब 16 जुलाई 2019 की डेट लगी है। स्टे कंटिन्यू है और जो मेंबरशिप की लिस्ट वगैरह जो सबमिट करने का कोर्ट ने आदेश दिया वो सबमिट की जा चुकी है और कुछ बैलेंस रह गया था, 26 मार्च को उन्होंने टाइम दिया है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।